कांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे के बेहद खास गुर्गे अमर दुबे की पत्नी खुशी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अमर दुबे की पत्नी खुशी को जेल से निकालकर बाराबंकी भेज दिया गया है। ये कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर हुई। अधिवक्ता ने खुशी की जान को खतरा बताते हुए बोर्ड में प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन फिलहाल इस पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। बिकरू कांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे के बेहद खास अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पर घटना की सूचना दे रही थी। ऑडियो वायरल होने के बाद एक बात साफ हो गई, उसने पुलिस से घटना की जानकारी छिपाई है। इसे साजिश मानते हुए पुलिस ने खुशी को बिकरू कांड का सह आरोपित बनाकर 8 जुलाई को जेल भेजा। उसके बाद खुशी के पिता ने विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट में बेटी के नाबालिग होने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के बाद मामला किशोर न्याय बोर्ड माती में स्थानांतरित हो गया। बोर्ड ने समस्त दस्तावेज परीक्षण और प्रधानाचार्य की गवाही के बाद उसे नाबालिग माना। वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित का कहना है, 11 सितंबर को खुशी को जेल से लाकर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया। बोर्ड के आदेश के बाद सोमवार की सुबह खुशी को जेल से निकालकर बाराबंकी संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। सोमवार को एक और प्रार्थना पत्र बोर्ड को दिया गया है, जिसमें खुशी की तबीयत खराब होने के साथ जान का खतरा होने का अंदेशा जताते हुए सुरक्षा की मांग की गई है। इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।